नमस्कार मित्रों, मैं श्रवण कुमार तिवारी हिंदी प्रभात के YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आइए, आज का हम लोगों का टॉपिक प्रश्न संग्रह। अभी तक हमने बहुत सारे टॉपिक पढ़ाए, लेकिन एक भी बहुत सारा कायदे से प्रश्नों की चर्चा हम लोग नहीं किए हैं। तो आज सिर्फ प्रश्नों की चर्चा और कल इन प्रश्नों के उत्तर। तो आज आइए हम आपको कम से कम 40 से 50 क्वेश्चन मतलब प्रश्न आप लोगों को जो सिलेक्टेड जो अक्सर यूपी टेट और सी टेट में पूछे जाते हैं, हम उन्हीं प्रश्नों की चर्चा करते हैं और आपके सामने लिखते हैं, देते हैं, बताते हैं। और जो आपको समझ में आएगा उसको अपनी कॉपी पर नोट करिएगा, उसका उत्तर लिखिएगा। और जो नहीं समझ में आएगा तो कल हमारा वीडियो देखिएगा। जो भी प्रश्न आपको नहीं समझ में आएगा उसका उत्तर हम आपको कल चर्चा करके बताएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे परीक्षा में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो पूछे जाते हैं अर्ध स्वर कौन है, नंबर एक है, नंबर दो अनुस्वार वर्ण किसे कहते हैं, तीसरा है अनुनासिक वर्ण कौन है, चौथा है स्पर्श वर्ण कितने हैं, ओष्ठ वर्ण कितने हैं, दंतोष्ठ वर्ण किसे कहते हैं, उष्म ध्वनियां कितनी हैं, प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं, आठ प्रश्न। ऐसे ही हम आपको कम से कम 35, 40, 50 जितना भी हो सकता है अधिक से अधिक देते हैं। तो आप बस इनको ध्यान में रखेंगे और हम अगले दिन इसी के क्रम पर हम आपको उत्तर बताएंगे और उसका कैसे हैं, क्यों हैं, हम उनको समझाएंगे। तो आइए, ये आठ प्रश्न हुए। अगला प्रश्न नौवां, नवा प्रश्न प्लुत स्वर कौन है, ऑप्शन देता है, लेकिन हम आपको ऑप्शन नहीं दे रहे हैं, लेकिन इसी के अनुसार आपको जब ये पता रहेगा तो जब विकल्प दिखाई देगा तो विकल्प में आपका ध्यान एकदम उसी पर जाएगा। तो इसका भली भांति ध्यान रखेंगे। दसवां, कंठ तालु वर्ण कौन है, ग्यारहवां स्पृष्ट वर्ण कितने हैं,
यह आपको इतने प्रश्न हम आपको वर्ण से किए हैं, अभी बहुत सारे प्रश्न वर्ण से होंगे, लेकिन अगर इतना अगर कर लेते हैं तो इसका मतलब है कि आपको वर्णों का बहुत अच्छा अध्ययन है, क्योंकि यह आसान प्रश्न नहीं है। सभी प्रश्न अपने आप में बहुत कठिन है, लेकिन जिनको अध्ययन है वो लगेगा कि इस तरह का प्रश्न तो हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं है, सब तो हम कर लेंगे। तो यह आपके वर्णों पर है। आइए आपको दूसरे टॉपिक पर चलते हैं, 13वां, रस की आत्मा किसे कहते गलत हो गया है ये प्रश्न इस तरह है, काव्य की आत्मा किसे कहते हैं, 14वां, संचारी भाव कितने होते हैं, 15वां, सात्विक भाव भावों की संख्या कितनी है, 16वां, 8 रसों की संख्या किसके अनुसार है, 17वां, 9वां रस किसके द्वारा स्वीकार किया गया, 18वां, रस के कितने अंग होते हैं, यह 18 हुआ। आगे 19 नंबर पर आते हैं, ध्यान से देखेंगे तमाम तरह के प्रश्न आपके पास हो जाएंगे और कोई ना कोई इसमें से जरूर आएगा। 19, आश्रय की चेष्टा को क्या कहते हैं, 20वां, जिसके मन में कोई भाव उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, 21वां, जो भावों को जागृत करता है उसे क्या कहते हैं, यह रस से संबंधित प्रश्न हो गए। आइए आगे टॉपिक बदलते हैं, 22वां, 11-13 मात्राओं वाला कौन सा छंद
होता है। 23वां छंद के जनक कौन है? इसी में अगला बोल दे रहे हैं, रस के जनक कौन है? ये आपका 24 प्रश्न हो गया। आते हैं 25 नंबर पर, तो ध्यान से देखते रहें और अपना दिमाग लगाते रहें। कॉपी किताब लेकर के, कॉपी लेकर किताब ना लेके बैठें, कॉपी लेकर के बैठ करके सारे प्रश्न उतारने की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए हम सब लिखते जा रहे हैं। सिर्फ कॉपी पर आपको अपने उत्तर लिखने हैं और कल जब हम आपको इसके उत्तर बताएंगे तो आप अपने उत्तर को इससे मिलान करेंगे, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अपना आकलन कर लेंगे कि कितने प्रश्न हम इसमें कर सकते हैं। तो आइए, सम मात्रिक छंद किसे कहते हैं? 25वां है, 26वां समता विषमता क्षमता विषम समता विषमता के आधार पर छंद कितने प्रकार के होते हैं? 26वां, 13, 11 किस छंद में होता है? 17वां, 6 को और किस नाम से जानते हैं? यह आपका 26 दो बार हो गया, 27 कर दिए और ये 28 हो गया, 28 प्रश्न हुए। आइए टॉपिक बदलते हैं, अगले पर आ जाते हैं। तो इसमें हमने वर्ण, रस और छंद का कंप्लीट किए, अब देखते हैं अगला क्या होता है। तो अलंकार पर आ जाते हैं, तो 28, 29 अलंकार के जनक कौन है? 30 अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? 31 अनुप्रास अलंकार का क्या लक्षण है? 32 हरि पद कोमल कमल सा में उपमान
कौन है, उपमान पहचानना है। 33 भेद रहित आरोप किस अलंकार में होता है। 34 जिसमें उपमेय में उपमान की समानता के आधार पर तुलना हो, वह कौन अलंकार होता है। अलंकार से बस इतना। आइए, बहुत सारे प्रश्न बनेंगे, लेकिन हमने मूल अभी किया है। इसके बाद आगे फिर इसी तरह के प्रश्न संग्रह आपको मिलते रहेंगे। तो 2-3 बार में जहां आपके पास 100-125 प्रश्न होंगे, तो 30 में 30 और अगर नहीं तो कम से कम 27, इससे कम आपके प्रश्न नहीं होने हैं, इतना मैं उम्मीद करता हूं। शिक्षण से कुछ प्रश्न आपके सीटेट में, जैसा कि 15 क्वेश्चन शिक्षण से, लेकिन वह तो आपके पेपर से ही प्रश्न उतारना है, उसी में छांटना है, लेकिन 15 क्वेश्चन इसमें से पता नहीं कौन सा पूछा जाएगा, नहीं पता, तो 15 यह कन्फर्म रहेगा। और यूपी टेट में तो कम से कम 26-27 क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा शिक्षण का मामला नहीं रहता, ज़्यादा ज़्यादा व्याकरण होते हैं, तो इसलिए उसका विशेष ध्यान रखें और अपने किताबों का अध्ययन करते हुए सीटेट की तैयारी, जिसमें 15 क्वेश्चन आप हल कर सकते हैं बढ़िया से, 15 क्वेश्चन आपका समस्या करता जो हम आपके सामने प्रस्तुत कर दिए हैं। तो ये 34 प्रश्न हो गए। अगला आ जाते हैं, टॉपिक बदलते हैं दूसरे टॉपिक से। तो देखते हैं अगला समास, जिसमें 35 पर पहला पद विशेषण किस समास में होता है। 36 समास कितने प्रकार के होते हैं। 37 प्रथम पद संख्या वाचक कौन समास होता है। 38 जो समास के, इसको जिस कर लेते हैं, जिस समास के प्रथम पद अव्यय हो, उसे क्या कहते हैं। 39
किस समास में दोनों पद मिलकर अव्यय हो जाते हैं? 40. दोनों पद प्रधान वाला कौन समास होता है? 41. किस समास में दोनों पद अप्रधान होते हैं? यह 41 प्रश्न हुआ समास से। अब आज का प्रश्न यहीं समाप्त करते हैं और इन 41 प्रश्नों का उत्तर आप लोगों को देना है। और अगर किसी प्रकार का इसमें अगर आपको समझने में कहीं कोई दिक्कत आती है और कोई प्रश्न कठिन लगता है तो हम उन प्रश्नों का उत्तर कल आपको देंगे। तो बहुत ध्यान से मेरे वीडियो को देखते रहिए और सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा, जिससे कि आपके साथ साथ आपके मित्र मंडली को भी लाभ मिल सके। बस यही हमारी आपसे शुभकामना है। नमस्कार।